तो अब सवाल ये नहीं है कि गोल्डबर्ग वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच क्यों हो रहा है रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर, सवाल ही एक है ड्रू मैकइंटायर अपनी चैंपियनशिप को इस मैच के अंदर बचा पाएंगे या फिर नहीं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अंदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। मैं हूं रोहन और एक बार फिर से आप देख रहे हैं चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग रॉयल रंबल 2021 के पेपर व्यू के बारे में करेंगे बात, जहां पर अब गोल्डबर्ग वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। आज जब रॉ के एपिसोड के ऊपर गोल्डबर्ग आते तो खलबली मच जाती पूरी रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर और फैंस यहां पर करते हैं WWE को क्रिटिसाइज कि क्यों गोल्डबर्ग को एक बार फिर से चैंपियनशिप मिल रही है अपॉर्चुनिटी रॉयल रंबल के पेपर व्यू के अंदर और क्यों ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच ही WWE प्लान कर रही है। काफी सारे फैंस के मन में यह क्वेश्चन है, क्या गोल्डबर्ग इस मैच के अंदर न्यू चैंपियन बन जाएंगे और क्या गोल्डबर्ग वो सुपरस्टार होंगे जो कि ड्रू मैकइंटायर को हराएंगे और उनकी पूरी की पूरी WWE टाइटल रेन करेंगे। एंड तो गाइस जो सारे क्वेश्चंस आप सभी के मैं आज की इस वाली वीडियो के अंदर करूंगा डिस्कस, क्यों WWE ने मैच बुक किया, क्या गोल्डबर्ग न्यू चैंपियन बनेंगे या फिर, सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे बात। आपको डेफिनेटली आज की इस वीडियो को तो मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि क्वेश्चन ये है कि क्यों गोल्डबर्ग बाकी और कोई सुपरस्टार नहीं, क्योंकि हमने देखा कि रॉ के अंदर और भी काफ़ी सारे टैलेंटेड सुपरस्टार हैं। द केल्टिक वॉरियर शेमस हो गए, WWE ब्रॉन स्टोमन की रिटर्न करवा सकती थी, WWE कीथ ली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का एक और रीमैच प्लान कर सकती थी रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर, लेकिन WWE क्या डिसाइड करती है, वो रिटर्न करवाती गोल्डबर्ग को रॉयल लेजेंड्स नाइट के एपिसोड के ऊपर और फिर ड्रू मैकइंटायर को वो करते हैं चैलेंज और WWE ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच कर दी थी ऑफिशियल। तो देखो यहां पर फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि WWE को फैंस की अटेंशन मिली है जब गोल्डबर्ग की एक बार फिर से WWE के अंदर वापसी हुई है। अगर मैं थोड़ा ब्रीफ के अंदर जाना चाहूं, इसका मतलब यह है कि WWE सिर्फ फैंस की अटेंशन चाहती है, वो ये नहीं चाहती कि जो फैंस इस फ्यूड को कह सकता हूं पसंद कर रहे हैं या फिर ना पसंद कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप सभी ने देखा था यूट्यूब पे एक वॉर टाइप हो गई थी टी सीरीज और यहां पर प्यूडीपाई के बीच, धीरे धीरे करके जो वॉर है वो इंडिया के ऊपर आ गई कि भाई अगर इंडिया जीतेगी अमेरिका से, इस तरीके का यहाँ पर सिनेरियो बन गया। और आखिरी में होता क्या है, जो प्यूडीपाई वो एक ऐसी वीडियो डालते हैं जिससे जो इंडियन फैंस है वो ट्रिगर्ड होते हैं, और ट्रिगर्ड होने का मतलब ये कि उन्हें प्यूडीपाई की अटेंशन मिलती है और इसी के चलते जो प्यूडीपाई के सब्सक्राइबर्स थे वो काफी तेज बढ़ रहे थे। वो अलग बात थी कि आखिरी में टी सीरीज इस मैच को जीत गई थी, मैच ही कहूंगा मैं यहाँ पर WWE की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेम यही सिनेरियो WWE का भी, WWE क्या चाहती है, वो फैंस को चाहती है कि वो रॉ के एपिसोड को देखें। अब ये मैटर नहीं करता कि वो रॉ के एपिसोड को पसंद करते हैं या फिर ना पसंद करते हैं, ऐसा भी हो सकता है जो गोल्डबर्ग ने ड्रू मैकइंटायर को चैलेंज किया था, अगर WWE अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो पोस्ट करती है तो इस वीडियो को कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा डिसलाइक मिले और हो सकता है साल 2021 की मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो बन जाए, क्योंकि हमने देखा था जब गोल्डबर्ग ने फीड को हराया था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए तब भी फैंस की अटेंशन मिली थी गोल्डबर्ग को, तब भी फैंस की अटेंशन मिली थी WWE को, और WWE यही तो चाहती थी, वो ये चाहती थी कि हम कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे खलबली मच जाए, और इसीलिए यहाँ पर WWE ने रिटर्न करवाई दी आइकॉनिक गोल्डबर्ग की और गोल्डबर्ग ने एक बार फिर से रिंग के अंदर आके चैलेंज कर दिया ड्रू मैकइंटायर को। और अब यहाँ पे आप देखोगे रॉ के एपिसोड के बाद सबसे ज्यादा बातचीत जो है मेरे हिसाब से, कोई भी अगर मैं पूरे स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की बात करूँ तो वो रॉ के बारे में चल रही है, वो ड्रू मैकइंटायर के बारे में चल रही है, वो गोल्डबर्ग के बारे में चल रही है, एंड वो चल रही है WWE के डिसीजन के बारे में क्यों उन्होंने ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच बुक किया। तो मेरे हिसाब से एक मेन रीजन है जिसके कारण WWE ने गोल्डबर्ग के रिटर्न करवाया, क्योंकि वो फैंस की अटेंशन चाहती थी, वो चाहती थी कि रॉ की रेटिंग्स बढ़े। अब मेरे हिसाब से ज्यादा जो लोग हैं वो जरूर से रॉयल रंबल का पेपर व्यू देखेंगे एंड वो ये चीज देखेंगे क्या ड्रू मैकइंटायर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर पाएंगे या फिर यहां पर गोल्डबर्ग एक बार फिर से कॉन्कर करेंगे जिस तरीके से उन्होंने फिंड को किया था, जिस तरीके से उन्होंने ब्रॉक लेसनर को किया था, और वो ड्रू मैकइंटायर को हराने के बाद WWE चैंपियन बन जाएंगे। तो WWE को जरूर से यहां पर फैंस की अटेंशन मिली जो कि WWE रॉक एपिसोड के अंदर बहुत ही लंबे टाइम से चाहती थी मैं कह सकता हूं। और एक और मैं आपको रीजन बताऊंगा जिसके कारण ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच क्यों एक अच्छा मैच है रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर, काफी सारे जो लोग हैं इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक इसको लेकर अच्छा पॉइंट भी है। अब जो ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग के मैच का विनर होगा ना रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर, उससे हमें WWE की करंट मेंटालिटी पता लग जाएगी क्या होने वाली है, क्या WWE अपने जो टॉप बेबी फेस सुपरस्टार अभी फिलहाल कंपनी का जिसको फैन सपोर्ट कर रहे हैं WWE उसकी तरफ जाती है, या फिर जो WWE है वो अपने पुराने डिसीजन पे ही कंटिन्यू रहेगी, और जो WWE है वो पार्ट टाइमर्स पे भी साल 2021 के अंदर डिपेंड होने वाली, इसका जो मैं कह सकता हूं हमें पूरा पता लगेगा रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर, क्योंकि अगर
गोल्डबर्ग जीते हैं इसका मतलब ये कि WWE स्टिल पार्ट टाइमर्स पे डिपेंड है एंड उनके हिसाब से पार्ट टाइमर ज्यादा बेहतरीन है फुल टाइम सुपरस्टार्स के हिसाब से। और जैसे मैं बात करूं गोल्डबर्ग के बारे में तो आप ऐसा तो सोच ही नहीं सकते कि गोल्डबर्ग चैंपियनशिप जीत नहीं सकते हैं रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर, क्योंकि गोल्डबर्ग पहले भी WWE चैंपियनशिप जीते हैं, सॉरी WWE चैंपियनशिप नहीं यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते हैं आउट ऑफ नोवेयर जब उन्होंने फीड को हराया था सुपर शोडाउन इवेंट के अंदर और सब फैन शॉक थे एक बार फिर से। जैसे मैंने कहा WWE को उस टाइम पे अटेंशन मिलती थी, सेम वही एक बार चीज WWE रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर करना चाहती है। एंड गाइस आपको बताऊं रिसेंटली कुछ रूमर्स आए सामने जिनका मानना ये है कि WWE गोल्डबर्ग को जिता सकती है जरूर से रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर एंड वो आप सभी को न्यू यूनिवर्सल भी चैंपियन बनते हुए नजर आ सकते हैं। जो अभी फिलहाल दूसरा सिनेरियो है सामने वो ये कि ड्रू मैकइंटायर गोल्डबर्ग को हराएंगे, कुछ मैच ऐसा जाएगा कह सकते हैं कुछ एक दो मिनट का मैच जाएगा, कुछ स्पीयर्स होंगे कुछ क्लेमोर्स होंगे मैच के अंदर और उसके बाद क्या होगा आप सभी को गोल्डबर्ग एंटर होते हुए नजर आएंगे 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर एंड वो इस मैच को जीतने के बाद रोमन रेंस को हमें चैलेंज करते हुए नजर आ सकते हैं रेसलमेनिया 37 के अंदर भी। फिलहाल करेंटली ये दो सिनेरियोज आ रहे सामने इस मैच के, इस विनर के एंडिंग के जो कि गोल्डबर्ग एंड ड्रू मैकइंटायर का मैच होगा। वैसे जो दोनों एंडिंग्स हैं वो सरप्राइज होंगी मेरे लिए। मान लो गोल्डबर्ग आप देखते हैं कि ड्रू मैकइंटायर से वो हार जाते हैं फिर वो रॉयल रंबल के अंदर एंटर होते हैं और वो रॉयल रंबल को जीत जाते हैं और उसके बाद क्या होगा गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा रेसलमेनिया 37 के अंदर। तो गाइस मेरे हिसाब से ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण WWE ने बुक किया गोल्डबर्ग वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर, क्योंकि WWE को चाहिए थी फैंस की अटेंशन जो कि उन्हें जरूर से मिल रही है। इसके अलावा जो दूसरी चीज मेरे हिसाब से अच्छी है इस मैच के अंदर हमें पता लगेगा कि WWE साल 2021 के अंदर अपने जो मेंटालिटी है पार्ट टाइमर्स एंड फुल टाइम सुपरस्टार्स के बीच उसको कह सकता हूं एक बार फिर से सही करती है या फिर नहीं। लेकिन गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर मैंने सही से आप सभी को एक्सप्लेन कर पाया हूं तो नीचे यार वीडियो को ऑफ कोर्स लाइक के बिना कहीं मत जाना। मेरे हिसाब से गोल्डबर्ग का जीतने का चांस जरूर से, ड्रू मैकइंटायर जरूर से काफी अच्छे सुपरस्टार है लेकिन देखते हैं WWE के मन में क्या है। लेकिन ये वाली जैसे मैंने कहा ये वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफ कोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। अगर मैं सही से एक्सप्लेन कर पाया हूं तो आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।